नमस्कार साथियों, आज मैं पहुंचा हूं सीकर विकास एग्रो एजेंसी खाद बीज भंडार की, जो आप पीछे वीडियो में देख पा रहे हैं दुकान। इस दुकान का वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ये किसान के बेटे ने दुकान की है, जो कि सीकर में पेस्टिसाइड और बीज के इत्यादि के रेट अधिक होने के कारण क्या है कि इन्होंने दुकान की, क्योंकि यहाँ MRP रेट पर सामान बेचा जाता था, तो यहाँ कम कीमत में सामान किसानों के लिए उपलब्ध है। इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, कैसे कम रेट में है उसी पे हम चर्चा करेंगे। ओनर हमारे साथ हैं, तो स्वागत है सर आपका मेरे YouTube चैनल में। नमस्कार जी, आपके YouTube चैनल में हमारा हार्दिक स्वागत है। आप दर्शकों को बताइए कि आपके पास जो दवाइयां हैं, बीज हैं, खाद हैं, वो कौन कौन सी हैं और किस टाइप की है? खाद, बीज, दवाइयां हमारे पास में जो इस क्षेत्र के अनुसार जिन कंपनियों की चलती है, जैसे मान लो कहीं जैसे धान के हर्बिसाइड है तो हम सीकर के अंदर रख के क्या करेंगे, ठीक है। जो इस एरिया के अंदर क्रॉप है, वेजिटेबल में है, सीरियल क्रॉप में है, ठीक है, उन सभी की हम दवाई रखते हैं A to Z। सीड ट्रीटमेंट से लेके हार्वेस्टिंग तक की जो भी दवाइयों की जरूरत पड़ती है, जो भी सीड है, यहाँ पे वेजिटेबल का अच्छा मार्केट है, ठीक है। तो ये जयपुर दिल्ली से टच में है, यहाँ से पंजाब भी सब्जियाँ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ड्रिप पद्धति से खेती होती है, ठीक है। तो अभी तक तो हम ये सीड का, पेस्टिसाइड का और फर्टिलाइजर का था, आगे इस सीजन से हमारा प्लान है ड्रिप इरिगेशन का भी साथ में वर्क करने का, क्योंकि यहाँ पे ड्रिप के अंदर भी बहुत मारामारी है। ठीक है, मारामारी मतलब किसान लूट रहा है या ज़्यादा बिक रहा है? बिक भी ज़्यादा रहा है और किसान लूट भी रहा है, किसानों को नॉलेज नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई जयपुर मेड है, कोई हरियाणा मेड है, कोई अपने गुजरात मेड ड्रिप लाते हैं, ISI मार्क का सब पे लगा होता है, पहचान नहीं है, कोई रेट नहीं है उनका, कोई भी उसका 3 रुपये मीटर मांग लेता है, कोई 10 रुपये मीटर है, कोई 12 रुपये मीटर है, कोई पर्टिकुलर उस चीज़ का नहीं है। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि एक स्पेशल कंपनी हो, उसके अंदर गारंटेड कंपनी का गारंटेड मटेरियल हो, तो उसकी हम कोशिश में भी लगे हुए हैं, हमारी अच्छी कंपनी से संपर्क हो जाए जिसके रेट भी अच्छे हो, किसान को भी 2 रुपये का फायदा और क्वालिटी भी बहुत है, बेटर है, उसकी सर्चिंग में प्रोसेस में है। हमें अभी वर्तमान समय में आपके पास जो स्प्रे की कंपनी है वो टॉप, जो अपने इंडिया की टॉप कंपनी है, उनकी पेस्टिसाइड आपके पास मिल जाएगी? हाँ, MNC के अंदर जैसे बात कर लेते हैं, जो विदेशी कंपनियां भारत के अंदर आके जो बिजनेस करती है, जैसे बायर है, सिजेंटा है और अपने सुमिटोमो केमिकल है, ऐसे इन कंपनियों का भी हमारे पास में मटेरियल है। और इंडिया टॉप 10 के अंदर जो इंडियन MNC कंपनी आती है, उनमें जैसे आप टाटा है, बायोस्टेड है, गर्डा है, PI है, UPL है, ऐसे ये अनेकों कंपनियां हैं। हमारे पास 60-70 कंपनियों का डायरेक्ट काम, ठीक है। तो डायरेक्ट बीज में आपके पास किस किस कंपनी का बीज है, किस टाइप का बीज है? बीज में सर हमारे कंपनियों का हमारे पास में 2-4 का ही काम है, जैसे ईस्ट वेस्ट का है और सिमिनेंस का है, बसंत सीड का है। बाकी बीज का क्या होता है कि जैसे मान लो किसी कंपनी के सीड तो आते हैं बीज, और हमारे यहाँ चलता है एक ही, जैसे मान लो ईस्ट वेस्ट का मेनली यहाँ पे LU 730 तेरूवी बिकती है, ठीक है, दबा के, तो हम खाली वो तेरूवी परचेज करवाते हैं कंपनी, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे तो उनका सारा कुछ मटेरियल थोड़ा थोड़ा बेचना पड़ेगा, इसलिए हम सीड में लिमिटेड कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। और जो ये सीरियल क्रॉप है, जैसे बाजरा है, इनमें लगभग कंपनियों का मटेरियल अपने पास में उपलब्ध रहता है, ठीक है। तो अभी जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ सबसे कम रेट में दवा उपलब्ध है, बिल्कुल, तो किसान कैसे कन्फर्म करे कि आप सस्ते में दे रहे हो? सस्ते में सर एक तो ये है कि वो अपने गाँव से लग जाए, यहाँ पे हर गाँव के अंदर पेस्टिसाइड की, बीज भंडार की दुकान, वो अपने गांव से ही ट्राई करता हुआ हमारे तक पहुँचे, ठीक है। किसी भी गांव से अगर किसान हमारी दुकान तक पहुंचेगा तो रास्ते में 30-40 दुकान तो पक्के ही आएगी, किसी 4 पे पूछ के आ जाए, ठीक है। हमारा मोटिव जो है वो ये नहीं है कि हम एक दिन के अंदर 10 लीटर बेचें और 100 रुपये का मार्जिन रखें, 1000 रुपये हमारा मार्जिन रखें, ठीक है। हमारा मोटिव ये है कि हम 2 रुपये लीटर का मार्जिन रखें, मात्र 2 रुपये लीटर का मार्जिन रखें और 1000 लीटर बेचें और हमारा 2000 रुपये दिन का मार्जिन, ठीक है। हम क्वांटिटी में विश्वास करते हैं, न कि उस मार्जिन पे, ठीक है भाई, क्वांटिटी बिकेगी, हमारा मार्जिन भी आएगा और किसान को भी अच्छा फायदा होगा, अच्छा फायदा होगा। तो आपने जैसे बताया कि सीकर में मैंने यहाँ पहले कंपनी में जॉब की है, आपने यहाँ फील्ड भी देखा है, फील्ड में आप गए हो, किसान को क्या समस्या है उस पर भी आपको नॉलेज है, तो क्या वर्तमान समय में भी आप अभी फील्ड में जाके किसानों को सेवा दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे किसान जितने भी जानकार हैं, जो मेरे संपर्क में हैं, दवाई लेके जाते हैं, बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जैसे मान लो मैं आपके फील्ड में गया देखने के लिए, वो कहते हैं जी हमारे वाला भी खेत आप देख लो, दवाई बता दो, तो भाई वो हमारे पास में दवाई लेने आते हैं नहीं आते, हाँ अगर उनके गाँव में गए उनका खेत जरूर देखते हैं, उनको सजेशन देते हैं, ये कोई बात नहीं। अभी भी फील्ड के अंदर मेरा रूटीन रहता है, हफ्ते में 3 दिन मैं फील्ड में जाता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे क्या वेजिटेबल वाले हैं, उनके ज़्यादा दिक्कत आती है, हर तीसरे दिन फंगस की और दिक्कत होती है, किसान समझ नहीं पाता। तो प्रॉपर आपकी जो दुकान का एड्रेस है वो क्या रहेगा? प्रॉपर हमारी दुकान का एड्रेस रहेगा सीकर के अंदर, आप बजरंग कांटा से रानी सती ओर की चलोगे, रानी सती से सावड़ी की तरफ,
जस्ट मंदिर के खत्म होते ही हमारी दुकान आएगी विकास एग्रो एजेंसी के नाम से। तो जो क्षेत्रीय किसान है उनको आप दवा उपलब्ध करवा सकते हैं, तो उनके लिए कॉन्टेक्ट नंबर आपका शेयर करते हैं वीडियो में ताकि उनको मदद मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा मैं आपको एक तो ये कार्ड दिखा देता हूँ जिसमें से नंबर स्पष्ट नजर आएंगे। वैसे मैं बोल देता हूँ, मेरा नाम विनोद बिश्नोईया है और नंबर है 70147-54682। तो इस नंबर पे आपसे क्षेत्रीय किसान ही संपर्क करें क्योंकि बाहर तो आप भेज नहीं पाएंगे। नहीं नहीं सर, बाहर के जैसे मान लो आजकल ट्रू कॉलर पे भी नाम आ जाता है दिल्ली बॉम्बे महाराष्ट्र, फिर वो इतने फोन उठाए नहीं जाते, ठीक है, कस्टमर होते हैं। ठीक है, मतलब क्षेत्रीय किसान ही संपर्क करें और क्षेत्रीय किसान ही क्षेत्रीय जैसे अपने राजस्थान के अंदर 5-6 जिलों के किसान संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास में डूंगरगढ़ के कम से कम 40-50 किसान आते हैं। ठीक है, वो यहाँ से वेजिटेबल का सीड लेके जाते हैं, अभी तरबूज का सीड लेके गए थे 5-6 किलो, खीरे का लेके गए थे, अब वो प्याज का सीड लेके गए हैं। ठीक है, तो वो जैसे सीड लेने के लिए स्पेशल आते हैं, उनको वहाँ के दुकानदारों पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, वो अपने से लेके गए, वो गारंटेड बीज देते हैं उनको। ठीक है, तो वो लगभग दवाई भी यहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। बीकानेर तक के किसान अपने यहाँ आते हैं जो 350-400 किलोमीटर। ठीक है सर, हमने एक प्रोडक्ट सिकर मार्केट के अंदर पिछले 2 साल से लॉन्च किया है, एक ये सोलर झटका मशीन आती है। यहाँ के किसान रोज नील गाय से बहुत ज़्यादा परेशान है, सुअर से और से, तो सिकर के अंदर ये हमारी दुकान पे आपको सोलर झटका मशीन मिलेगी जो जिसकी वायर इंसुलेटर मशीन रिपेयरिंग की और की सब चीज़ की फुल फ्लैश 1 ईयर की वारंटी के साथ। ठीक, 1 ईयर की वारंटी साथ, किसान के कोई दिक्कत आता है हमारे पास आए, वो पीस दे जाए, जब तक उसके वो पीस रिपेयर हो जाएगा कंपनी में हम उसको नया पीस देंगे तब तक। ठीक है, सोलर झटका मशीन मिलेगी। दूसरे एक ये जो एग्रीकल्चर एम्प्लीमेंट है जैसे ये छोटा रोटावेटर है, अर्थ रोकर है, ये भी हम यहाँ पे उनको उपलब्ध कराते हैं। किसी किसान को ऑर्डर पे चाहिए तो मंगाते हैं, स्प्रे टंकी वगैरह एग्रीकल्चर के जितने भी एम्प्लीमेंट है पंजाब से हरियाणा से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हम किसान को उपलब्ध कराते हैं ऑन ऑर्डर। ठीक है, तो मेरे विचार से क्या है कि किसानों को एक नोटिफिकेशन देना ज़रूरी होता है कि हाँ आपको उचित दाम में और बढ़िया दवा मिल सकती है। तो इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ, नए किसान के साथ या दुकानदार के साथ। जहाँ किसान का हित होगा वहाँ हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।